बचपन में पिता के साथ पौधे लगाने का जुनून संजोए एक पूर्व अधिकारी ने सेब के पेड़ों पर बंपर पैदावार कर सभी को हैरत में डाल दिया है। सहकारी समवाय विभाग से बतौर जिला अंकेशन अधिकारी सेवानिवृत्त ठाकुर शमशेर सिंह निवासी मुबारकपुर शिवपुर ने 3 वर्ष पूर्व अपने घर गोल्डन सेब के पौधे लगाकर उनकी सेवा में जुट गए। हालांकि ओल्ड हिमाचल में पैदा होने वाले सेब को निचले हिमाचल में उगाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। वर्तमान में उनके 3 पौधों पर लगे सैकड़ों गोल्डन सेब उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। एक एक टहनी पर दर्जनों सेब ओल्ड हिमाचल की याद तरोताजा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शमशेर सिंह ने बताया कि पौधों को हमने बच्चों की तरह पाला है। खास बात यह है कि ये सभी फलों को दोस्तों और संबंधियों को मुफ्त में बांटते हैं। अगर शेष जी तुसी जिला अंकेशन अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त तो सहकारी सभा में सेवानिवृत्त तो हुए हैं, तो ये जो सेब के पौधे आपने लगाए हैं, हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फल लगे हुए हैं, इसको उगाने में आपने क्या मेहनत की, क्या कोशिश रही आपकी, थोड़ा आप ये बताना चाहते हैं? इसके लिए हम आज से ये 3रा साल है, मतलब 3 साल में हमने इसके मतलब नर्सरी बनी थी हट्टी जो है प्राइवेट ही, उससे हमने पौधे लिए थे, फूल वगैरह उसमें से लेते थे, फिर उसने दिखाए वहाँ पे कि ऐसा, तो फिर वहाँ से देख के हमने फिर ऐसे पर वहीं से भी सुनते थे कि हाँ जी वो मास्टर जी हैं रिटायर्ड, उन्होंने लगाए, तो फिर हमने भी यहाँ पे कोशिश की, तो ये पौधे लगा के हम समय समय पर इनको पानी वगैरह तो पौधे के लिए करना जरूरी होता है, तो हम सारा वो करके अपने डैडी श्री प्रताप सिंह, हम देख रहे हैं कि आपने ये सेब को के पेड़ों के साथ साथ और भी कई तरह के पौधे लगाए हैं, बड़े अच्छे शहरी आम लगे हैं और अमरूद लगे हैं, खरबूजे के पेड़ लगे हुए हैं, ये आपको शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये जो शौक है अपने डैडी उनसे ही हमने ये शौक लिया है कि मतलब पौधे लगाने चाहिए, और आप तो मैं यहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ मतलब समय के अनुसार जैसे सुनने में आ रहा है, या आप YouTube पर कि हाँ जी टेम्परेचर जो है वो 45 से 50 तक पहुँच गया है, तो 55 से 60 जाने में देरी नहीं लगेगी, तो कम से कम 400 करोड़ पौधा लगाया जाए तो जाकर टेम्परेचर भी पूरा ठीक रहेगा, तो कम से कम पौधे इस साल भी हम तो चाहते हैं कि अगर शामलात कोई जगह हम कोई अरेंज करें वहाँ पे भी पौधे लगाएं। हम देखते हैं कि जैसे सेब जो सेब की पैदावार जो है ओल्ड हिमाचल में ही ज़्यादा देखी जाती है, अब निचले हिमाचल में सेब की पैदावार आपने की है, इसके लिए आपकी क्या क्या कोशिश जाएगी और उसमें आपने क्या क्या इसमें डाला है, क्या क्या किसान में? तो जैसे जब पौधा लगाया जाता है तो अच्छा खट्टा निकाल के उस खट्टे में देसी खाद डाल के ही, और समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई करके, और जैविक खाद या देसी खाद समय समय पर इनको हम लगाते रहते हैं, जिससे के कारण ये 2-3 साल में ही ये पौधे जो है अच्छे फल दे रहे हैं। बाकी फल जो है वो मालिक दे तभी तो अच्छी पैदावार है। आपके जो सेब हैं आप देख रहे हैं कि टहनियों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगे हैं, तो आपके सारे जो प्रयास हैं सफल रहे, धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अंब से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।